देश में कोरोना के 163 नए मामले, एक्टिव केसेस की तादाद घटकर हुई 3380। मास्क को फिलहाल जरूरी नहीं किया जाएगा, बीच बीच में दी जाएगी मास्क पहनने की सलाह। भारत में वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ी, 20 दिसंबर को प्रिकॉशन डोज की तादाद 31,000, आज लगेगी 57,000 डोज। 8 महीने से लगातार घट रहा है कोरोना का ग्राफ, 4 केंद्र शासित प्रदेश और कुछ राज्यों में एक भी केस नहीं है। राजस्थान में सभी कलेक्टर्स को दिया गया है अलर्ट, सभी पॉजिटिव केसेस में नए वेरिएंट की पहचान के लिए होगी जीनोम सीक्वेंसिंग। सभी हेल्थ सेंटर्स पर की जाएगी तैयारी, मंगलवार को होगी मॉक ड्रिल। कोरोना के खिलाफ जंग में और तेजी, भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को मिली मंजूरी। नए साल के लिए सरकार जारी करेगी एडवाइजरी, सूत्रों के हवाले से खबर। अब तक दी गई है 220 करोड़ डोज, 12 साल से ऊपर के वर्ग में भी कोरोना वैक्सीन का बेहतरीन रिकॉर्ड। बूस्टर डोज के मामले में भी हम बेहतर स्थिति में, 27% आबादी को लग चुके हैं बूस्टर डोज। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की आज राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक, कोविड के खतरे पर होगा विचार, शाम 3 बजे होगी ये बैठक। स्वास्थ्य मंत्रालय का आदेश, कल से हर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2% मुसाफिरों की हो रैंडम जांच। कोरोना को लेकर पीएम मोदी की रिव्यू बैठक में सख्त दिशा निर्देश, अधिकारियों को बारीकी से हालात की निगरानी करनी होगी। पीएम मोदी ने देशवासियों से की कोविड प्रोटोकॉल के पालन की अपील, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क को लेकर होगी सख्ती, बुजुर्गों से अपील बूस्टर डोज लें। देशभर में कोविड टेस्टिंग और जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट बढ़ाने के निर्देश, विदेश से आने वाले यात्रियों पर खास नजर। रिव्यू मीटिंग के बाद पीएम ने दिलाया भरोसा, देश में घट रहे हैं संक्रमण के मामले, दिसंबर में 153 तक पहुंचा रोजाना सामने आने वाले संक्रमण का औसत आंकड़ा, पॉजिटिविटी रेट 0.14%। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 10 नए मरीज, 1 की मौत। गुजरात में कोरोना के 6 नए मामले, 2 मरीज अहमदाबाद, 2 भावनगर में, दाहोद और तापी में संक्रमण का 1-1 मामला। मुंबई में 3 नए मरीज से संक्रमण की पुष्टि, राज्य में कुल 35 एक्टिव केसेस, 1 की मौत। जम्मू में स्कूलों में सख्ती, मास्क किया गया जरूरी। गुजरात में कोविड के वेरिएंट BA.7 के 3 केस आने के बाद अब प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर, सिविल अस्पताल में तैयारी। ऑक्सीजन प्लांट से लेकर दवाई और इंजेक्शन तक की तैयारी पूरी की, सरकार ने दिए थे आदेश। रांची में कोरोना को देखते हुए एहतियात, मंत्री विधायक मास्क में दिखे। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जताया भरोसा, कोरोना से बेहतर तरीके से मुकाबले में देश है सक्षम। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल का दावा, अब तक राजधानी में ओमिक्रॉन BF.7 वेरिएंट का 1 भी केस नहीं है। सीएम केजरीवाल ने दिलाया भरोसा, हर खतरे से निपटने के लिए तैयारी, केंद्र के गाइडलाइंस का है इंतजार। यूपी में योगी सरकार का एक्शन, कोरोना को लेकर गाइडलाइंस जारी, सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को मास्क लगाने की अपील। हर पॉजिटिव केस की जीनोम सीक्वेंसिंग के आदेश, वैक्सीन डोज बढ़ाएगी सरकार। ताजमहल देखने आने वालों का कोविड टेस्ट शुरू, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के सख्त निर्देश। यूपी पुलिस के लिए मास्क और सैनिटाइजर अनिवार्य, 100% वैक्सीनेशन के आदेश। सभी मेडिकल कॉलेजेस में कोविड टेस्ट तेज करने के निर्देश, अस्पतालों में कोविड मरीजों के लिए होगा अलग वार्ड। यूपी के सभी स्थायी और आउटसोर्स्ड कर्मचारियों को बूस्टर डोज लगवाने के निर्देश जारी। अस्पतालों में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और मरीजों को कोविड प्रोटोकॉल के पालन के सख्त आदेश। उत्तराखंड में आज से शुरू होगा बूस्टर डोज अभियान, वैक्सीनेशन के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने का प्लान। पॉजिटिव केसेस की जीनोम सीक्वेंसिंग के आदेश, हर जिले में फिर से एक्टिव होंगे कंट्रोल रूम। महाराष्ट्र में कोरोना के 132 एक्टिव केस, 22 मरीजों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। सीएम एकनाथ शिंदे ने हर जिले में नोडल अधिकारियों को दिए निगरानी के निर्देश, मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग की अपील। कर्नाटक में इंडोर संस्थानों ने मास्क पहनना जरूरी किया, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल में मास्क को लेकर सख्ती के आदेश। कर्नाटक में बस, फ्लाइट और ट्रेन जैसे सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाने। आपके मेयर पद के उम्मीदवार का ऐलान, शैली ओबेरॉय होंगी उम्मीदवार। शोएब इकबाल के बेटे आले इकबाल होंगे डिप्टी मेयर के उम्मीदवार, महिला के लिए रिजर्व है मेयर पोस्ट। फरीदाबाद में दाखिल हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, कल दिल्ली में एंट्री की तैयारी। बल्लभगढ़ के रास्ते फरीदाबाद पहुंचे यात्री, राहुल के साथ चली कानीमोई। राहुल गांधी की अपील, समान विचारधारा वाली विपक्षी पार्टियां यात्रा में शामिल। भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी पर राहुल गांधी की तीखी प्रतिक्रिया, कहा कोविड के बहाने रच रहे हैं साजिश। राहुल की यात्रा पर बोले अनुराग ठाकुर, उनकी यात्रा क्या कोविड प्रोटोकॉल से ऊपर है।
मुंगेर जमालपुर रेल